अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फसला से होंगे। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट ब्रेकफास्ट से लिया है, तो आज हम जल्दी उठ गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो नानचने का नाश्ता किया जाए। उसके बाद जी ये देख लें मुर्तज़ा कैसे शरारतें करता रहता है मेरे पास बैठ के। जी नाश्ता करने के बाद जी मैं किचन में आ गई, फिर मैंने चाय बनाना शुरू कर दी। चाय हमारी पक चुकी थी, तो फिर मैंने इसको जल्दी से फेंटना शुरू कर दिया कि चलो और अच्छी तरह इसमें रंग आ जाए, इसकी खुशबू भी अच्छी आए। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों में से कौन कौन चाय को इतना फेंटता है। देखिए जी हमारा कलर कितना प्यारा आया, कितना हसीन कलर आया चाय का। चाय का जब कलर हसीन आता है ना और इतना प्यारा कलर आता है, तो मेरा तो दिल अंदर से बहुत खुश हो जाता है कि ये गारंटी होती है कि चाय जी मज़े की ही बनेगी, क्योंकि इसका कलर इतना प्यारा है तो टेस्ट कितना प्यारा होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। चलें जी, हमारे चाय को उबाला आ गया था और जी मैं कप्स में डाल रही थी चाय। और जी आज मेरी बर्थडे भी थी, तो मैंने आज एक छोटी सी शॉर्ट अपलोड की थी, तो उस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि इतने मुझे कोई 1000 की तादाद में मैसेजेस आए थे बर्थडे विशेस के, और मेरा दिल इतना अंदर से खुश हो गया था ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हमने ऐसा इतनी सेलिब्रेशन नहीं की, बस थोड़ी सी छोटी सी घर में कर ली थी सेलिब्रेशन, तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों के इतना प्यार देख के। और जी हम यहाँ पे आ गए थे पेट्रोल डलवाने, साथ में देख लेते हैं आपके पेट्रोल को आग लगाई हुई इन्होंने, इतना महंगा कर छोड़ा है ना इन्होंने पेट्रोल, हद होती है वैसे हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर जी हम जा रहे थे नान को अकेडमिक छोड़ने, उसको भी स्कूल से तो ऑफ हो गया, लेकिन अकेडमी वालों ने अभी तक हॉलीडेज ही नहीं थी ईद के, तो फिर जी नान जा रहे हैं अपनी अकेडमी। उसके बाद हम घर आ गए थे, फिर हमने आके जुम्मा वगैरह पढ़ा, थोड़ा सा ये कलाम लगा हुआ था वो सुन लिया, ये मेरा फेवरेट कलाम है, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ ये। उसके बाद इतनी बाहर गर्मी थी, तो फिर मामा ना रैबिट्स को अंदर ही ले आई, हमने कहा कि कहीं ये भी इनको भी कुछ ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, इतने प्यारे लगते हैं, जब इनको कुछ होता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है, मेरी तो इनसे इतनी अटैचमेंट हो गई ना कि मैं इनके साथ खेलती हूँ, ये भी बहुत क्यूट है, हमारे साथ खेलते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं अपने बास्केट से और बहुत प्यारे लगते हैं इधर उधर भागते हुए, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं रैबिट्स माशाल्लाह से, इतने क्यूट से और फ्लफी से होते हैं ना, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर जी यहाँ पे मैं आ गई फालसे का जूस बनाने, इतनी शदीद गर्मी है ना कि आप भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। तो भी आज हमारा दिल कर रहा था कि जी हम ठंडा ठंडा फालसे का जूस पिए, तो यहाँ पर मैं यही बना रही थी। सबसे पहले जी मैंने जग में फालसों को ऐड कर दिया, फिर उसके अंदर पानी भरा, फिर उसको ग्राइंड किया फालसों को। फालसों का जूस एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में पीना, मैं सब जूसेस से ज़्यादा ना फालसों का जूस पीना रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इसका तरह हाइड्रेशन पैदा करते हैं और हमारे ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर फालसों का जूस पिया करें। और अभी वॉइस ओवर करते करते भी मैं वही फालसों का जूस ही पी रही, मामा कह रही थी कि जी पी लो, तो जी मैं पी रही थी, थोड़ा सा बच गया था। लेकिन जी हमारा फालसों का जूस रेडी हो रहा था जो, तो जी आप लोगों में से किस किस को ये जूस पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी जानने में। और एक्चुअली मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊं, मैं फालसों का जूस फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, मामा ही हमारे सब काम कर देती हैं तो मैं इतनी आदत नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं, हेल्प करवानी चाहिए अपनी मामा की क्योंकि वो बहुत काम करती हैं। तो जी मैं वैसे ही फारिग बैठी हुई थी, मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो आजकल मैं अपनी मामा की बहुत हेल्प करवा रही हूँ, आप लोग भी कहते हैं कि हेल्प करवाया करें, तो बस यही चल रहा था आज हमारे घर में। और जब जूस के अंदर चीनी को ग्राइंड करने की बारी है, तो हमारी लाइट ही चली गई, और एक लाइट ने और गर्मी ने इतना कोई शदीद तंग किया हुआ ना कि मैं तंग आ चुकी हूँ दोनों चीज़ों से। पाकिस्तान में वैसे ये बहुत बुरा सीन है, आउट ऑफ कंट्रीज़ तो लाइट का जाती ही नहीं है, पता नहीं पाकिस्तान के क्या हालात हैं। मेरी तो दिल से दुआ है कि जी पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक कर दें, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे मेरा फालसे का जूस रेडी हो चुका था और मैं इसको ग्लास में डाल रही थी, मैंने जूस मामा को और भाइयों को ट्राई कराया था, उनको बहुत पसंद आया, मेरा तो वैसे ही बहुत फेवरेट है फालसे का जूस, और मैं भी ट्राई कर रही थी यहाँ पर, तो बहुत मज़े का बना था। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।